नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। एरियर की पहली किस्त का भुगतान हुआ शुरू। डीए में बढ़ोतरी, खाते में मिलेंगे 50,000 रुपये तक। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि सरकार ने अपने किन कर्मचारियों के बकाया एरियर की पहली किस्त के भुगतान का पैसा कर्मचारियों के खाते में डालना शुरू कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की हो गई है बल्ले बल्ले। रक्षाबंधन से पहले कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। बकाया एरियर का पैसा हो गया है आना कर्मचारियों के खाते में। दोस्तों, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ गई है। महंगाई भत्ते के एरियर का भुगतान जल्द ही शुरू हो गया है। इसे 7,30,000 से अधिक कर्मचारी और अधिकारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने महंगाई भत्ते के 8 महीने के एरियर को 3 किस्तों में देने का निर्णय लिया है। दोस्तों, जल्द ही कर्मचारियों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आलंकित तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के अनुसार जुलाई महीने से मिलने वाले एरियर को अभी तक खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया। इसे देखते हुए संभावना है कि जुलाई का एरियर अगस्त महीने में कर्मचारियों के खाते में जमा होगा। सरकारी आदेश जारी कर दिए गए हैं, इससे कर्मचारियों को उनकी मेहनत का फल जल्द ही मिल जाएगा। प्रदेश के तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमा शंकर तिवारी के अनुसार 14 मार्च 2024 को महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा के बाद जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक के 8 महीने के एरियर की पहली किस्त जुलाई में खाते में ट्रांसफर होनी थी, लेकिन कोषालय की साइट न खुलने की वजह से यह भुगतान नहीं हो पाया। उमा शंकर तिवारी ने कहा कि महंगाई भत्ते का भुगतान समय पर न होने से कर्मचारी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिस महीने से उनके एरियर मिलना चाहिए था, उस महीने से भुगतान न होने से उनकी आर्थिक स्थिति भी प्रभावित हो रही है। पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, इस बार भी वही स्थिति है। इससे कर्मचारियों को अपने खर्चे को पूरा करने में कठिनाई आती है। उम्मीद है कि जुलाई महीने में मिलने वाला एरियर अब अगस्त में कर्मचारियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों, 23 जुलाई 2024 को वित्त विभाग ने आदेश जारी किए थे कि 14 मार्च को 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि के बाद जुलाई से फरवरी तक के 8 महीने कैरियर का भुगतान 3 किस्तों में किया जाए। यह राशि जुलाई अगस्त सितंबर महीने में कर्मचारी के खाते में ट्रांसफर होनी थी, लेकिन जुलाई महीने में न होने के कारण अब अगस्त सितंबर और अक्टूबर में कर्मचारी के खाते में यह राशि आएगी। इस आदेश से कर्मचारी को बड़ी राहत मिली है जिन्हें लंबे समय से एरियर का इंतजार था। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।